हेलो स्टूडेंट्स, सीएमजे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनकर मोतिहारी। आज हम लोग कंपाउंड समास के बारे में जो है भाग दो, उसका पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा भाग में जो समास के छह भेद होते हैं, उस छह भेद में से अव्यय भाव समास और तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के उपभेद जो है हम लोगों ने पार्ट वन में पढ़ चुके थे। अब पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास, है ना। तो द्विगु समास में होता क्या है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, है ना, संख्या होता है, वही होता है उसको द्विगु समास कहते हैं हम लोग। जैसे तिरंगा यानी तीन रंगों का समाहार यानी मिला हुआ, यानी तीन रंग जब मिला हुआ होता है तो तिरंगा बनता है। पंचवटी यानी पांच वटियों का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, जब तीन भुजा बनता है यानी भुजा एक एक तीन भुजा मिल करके एक एक भुजा और एक एक भुजा और एक एक भुजा ये तीन भुजा मिल करके त्रिभुज बनते हैं, इसलिए द्विगु समास हो गया, ठीक है। उसके आगे अब हम लोग चलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, जैसे पंजाब पांच आबों का समूह होता है, वही बनता है पंजाब, है ना। नवरत्न यानी नौ रत्नों का समूह, है ना। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, चौराहा चार राहों का समूह, चौराहा जो चार रास्ते जो आके मिलते हैं एक पास, वही चार राहों का समूह होता है, उसी को हम लोग चौराहा बोलते हैं। ये सब जो है द्विगु समास है। अब हम लोग द्वंद्व समास के बारे में चलेंगे। जिस समास के दोनों पद जो है प्रधान होता है और दोनों समान महत्व रखते हैं, है ना, प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है, है ना। लेकिन उसमें होता क्या है कि दोनों समान और समास करने पर वह क्या हो जाता है, समुच्च बोधक अब्द जो होता है और तथा या चाहे एवं अथवा का वो लोप हो जाता है, उसी को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात दिन, रात और दिन, यहाँ और क्या क्या हो गया है, लोप हो गया है, दो चार दो या चार, तो यहाँ या का भी यहाँ क्या हो गया है, लोप हो गया है। दाल भात, दाल और भात कहते हैं ना, दाल और भात, तो दाल और भात क्या है, वो और यहाँ जो है इसका लोप हो गया है ना। उसी प्रकार से सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, सीता और राम, सीता और राम यानी सीता राम कहते हैं, है ना। उतार चढ़ाव यानी उतार और चढ़ाव, यहाँ और का क्या, उतार चढ़ाव जो समस्त पद बना, दोनों पद तो प्रधान हो गया, लेकिन वहाँ उस दोनों पद को मिलाने का जो काम करता है अव्यय, वो उसका वो जो है विभक्ति जो है चिन्ह जो है उसका वो लोप हो जाता है, ये है द्वंद्व समास को कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग और आगे जो बाकी है उसको पढ़ेंगे। इसको आप लोग अपने नोटबुक में उतारें, नोट करें। आगे हम लोग देखते हैं क्रमधारय समास। क्रमधारय समास जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष अथवा उपमान या उपमेय का संबंध होता है, वहां क्रमधारय समास होता है। यानी जिस समास के दोनों पद यानी नील कमल जैसे है, है ना, या चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, तो जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहां क्रमधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नीला कमल को नील कमल कहते हैं, महाराज ये महाराजा यानी महान राजा, प्रधानाध्यापक जिसको कहते हैं यानी प्रधान अध्यापक को हम प्रधानाध्यापक कहते थे, यहाँ प्रधान अलग है और अध्यापक है कि इसका विशेषण और विशेष है, है ना। और उपमेय और उपमान और उपमेय जो है चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, यही है क्रमधारय समास, बहुत सारे हैं। उसके बाद से बहुव्रीही समास है। बहुव्रीही समास में जिस मान जहाँ समास्त पद किसी यानी समास जो है
जहां समस्त पद किसी अन्य अर्थ का द्योतक यानी देने वाला होता है वहां बहुव्रीही समास होता है। जैसे मान लीजिए कि पीताम्बर, पीत अंबर यानी वस्त्र है जिसके, अर्थात ये बात कहा गया है किसके लिए, कृष्ण के लिए, है ना। गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाला, है ना, गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण को कहा गया है। चतुर्भुज यानी चार भुजा जिसका हो अर्थात विष्णु। नीलकंठ, है ना, नीलाकंठ हो जिसका, किसको कहा गया है, शिव को कहा गया है, नीलाकंठ शिव को कहा गया है, है ना। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर जिसके, किसको कहा गया है, यानी शिव को कहा गया है। चार मुख है जिसके अर्थात वर्मा को कहा गया है। चतुर्मुख, चतुर्भुज, पीताम्बर, नीलाम्बर, है ना, गजानन यानी गज है, आनंद यानी गज जैसा मुख है जिसका, किसका यानी अर्थात गणेश। तो दूसरे के लिए कहा जाता है, किसी अन्य का अर्थ देता है वही बहुव्रीही समास होता है। तो आज हम लोग का जो है समास जो है समाप्त हो गया। अब आप लोगों को, है ना, इस जो छह भेद है छह भेद के जो है उसके आप लोगों को उसको उसी के आधार पर गृह कार्य के रूप में आप लोगों को करके लाना है। तत्पुरुष समास के बारे में उसके भेद को लिखना है, है ना, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीही समास। ये समास छह समास के जो है हमने जो उदाहरण बता दिया है उसकी के आधार पर आप लोगों को गृह कार्य के रूप में करना है। उसमें से 10-10 उदाहरण दे करके समास को आप लोगों को लिख करके लाना है। जिस दिन विद्यालय खुलेगा उस दिन आप लोग का फेयर चेक होगा और उसमें आप लोगों को करके लाना है। अब इसमें जो समास हम लोगों ने पार्ट वन या पार्ट टू में जो हम लोगों ने भाग एक और भाग दो करके जो पढ़ा उसमें अगर जो आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा आप लोग उस चीज़ को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यालय के नंबर पे आप लोग जब भी कॉल कीजिएगा बात हो सकती है, आप लोग उस पर फोन कर करके और इस समस्या का समाधान हो जाएगी। आप लोग को जो दिक्कत हो उसको पूछ लेंगे। धन्यवाद।